दावत है ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पप्पू यादव की जन अधिकारी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। इस सियासी घटनाक्रम से बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार इंचार्ज मोहन प्रकाश ने उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए मुलाकात के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। इस बात की जानकारी अखिलेश प्रसाद सिंह को नहीं थी, वो पहले भी इस बात का विरोध कर चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जन अधिकारी पार्टी और पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव एक कद्दावर नेता है और वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, नीतियों और दिशा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वे जन अधिकार पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। ये विलय साधारण नहीं है बल्कि ऐतिहासिक है। कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज से आजीवन कांग्रेस के साथ है। देश के भविष्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य है। युवा, किसान, महिला, वंचित समाज को न्याय दिलाना संकल्प है। कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा नई ऊर्जा देती रही है। हमारी पार्टी हर वर्ग का सम्मान करती है, किसी भी धर्म या जाति में कोई भेदभाव नहीं करती। हर व्यक्ति की विचारधारा की सुरक्षा, हर हाल में दूसरे के विचारों का सम्मान ही हमारी पार्टी का ध्येय है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस उम्र में भी काफी संघर्ष कर रहे हैं। मैं जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे को देखता हूँ तो मुझे बाबू वीर कुंवर सिंह की याद आती है। उन्होंने कहा कि मैंने बचपन से मोहन प्रकाश को संघर्ष करते देखा है, उनका सानिध्य मुझे हमेशा मिला है। आज वो एक विचारधारा है। हमारी पार्टी और परिवार कांग्रेस की विचारधारा वाला है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी का भरोसा और प्रियंका गांधी की सोच मेरे लिए कांग्रेस में आने के लिए काफी है। पूरी कांग्रेस ने मुझे जो सम्मान दिया, इन दोनों नेताओं के विश्वास ने हमें हिम्मत दी है। उन्होंने कहा कि भले ही कोई ईवीएम, ईडी और सीबीआई के जरिए 400 पार कर ले, लेकिन हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आवाम का दिल राहुल गांधी ने ही जीता है। आपको बता दें कि पप्पू यादव पूनिया से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हो सकते हैं। वे लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लालू यादव से मीटिंग के बाद पप्पू यादव बुधवार की सुबह दिल्ली आ गए थे। उन्होंने दिल्ली आने के बाद कांग्रेस हाई कमान से मुलाकात की। वहीं उन्होंने 19 मार्च को लालू यादव से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि अभिभावक पिता तुल्य लालू यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात की। बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती सीमांचल कोसी मिथिलांचल में 100% सफलता लक्ष्य है।